बीबी जी। हाँ, एक अर्ज करनी थी बीबी जी। मैं आज तक बोली नहीं कभी, पर अब लगता है आप मेरी बोली समझ जाएंगी। क्या मतलब? जब कोई खुश होता है ना बीबी जी, तो वो खुशी की बोली समझता है, और जब कोई दुख में हो ना, तो आंसुओं के मतलब समझ आ जाते हैं। आप ही आप ही समझाना नहीं पड़ता। मैंने तो आज तक तुझे बोलते नहीं देखा। क्या बात है, तू भी बोल पड़ी। आपको याद है जब मम्मा आजरा मुझे हवेली लाई थी आप लोगों की सेवा करने के लिए? तब मेरी उम्र सिर्फ 8 साल थी। मैं माँ से बिछड़ना नहीं चाहती थी बीबी जी। मेरे पांव उल्टे घर को पड़ते थे। मुझे अपना वेड़ा, अब्बा और छानू भाई बहुत याद आते थे, लेकिन मैं कभी रोई नहीं, कभी बोली नहीं। अम्मा ने कहा था कि अगर मेरे काम से हवेली वाले खुश ना हुए तो ताने नहीं होंगे खाने को हमारे घर। तूने मुझे तो बताना था, मुझसे तो बात करनी थी। माँ ने, अम्मा आचरा ने मना किया था बीबी जी। वो कहती थी कमी कमीनों का क्या काम बोलने चालने का, उनके तो बस हाथ चलने चाहिए। लेट जाए बीबी जी, मैं आपकी कमर दबा दूं। दर्द तो मेरे अंग अंग में बस गया है। कहाँ तक दबाएगी, कब तक दबाएगी? मैं कनक बखेरने कोठे पर गई थी बीबी जी, 10-12 साल पहले की बात है। वहां मैंने एक कबूतर देखा, वो बनेरे पर बैठा ना गुटक रहा था बीबी जी। मेरी बेसमझी थी रजिया की, मैं कबूतर को पकड़ने के लिए ना बनेरे पर चढ़ गई। कबूतर तो हाथ ना आया, मैं वेड़े में गिर गई। तो फिर तुझे हाजरा साथ क्यों ना ले गई? अम्मा कहने लगी यही टिकी रह, हम कहां से पैसे देंगे हाजी जरा के। यहां तुझे अच्छी खुराक मिल रही है, वहां कब ठीक होना तेरा जख्म, टिकी रह यही। हम इतने साल ही में रसिया, इतने साल ही में हम, तूने तूने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं? तू हमारे खिलाफ बोली क्यों नहीं? हाँ बीबी जी ना, आप जालम नहीं है, आप तो अख्तियार वाले हैं। जो जितना अख्तियार वाला होता है ना, उतना ही जोरावर होता है, और जोरावर जालम नहीं होता बीबी जी, वो तो बस अपना जोर आजमाता है। मैं भी अख्तियार वाली थी, मैं भी रजिया। बहुत सी जिनकी चौखट पर इख्तियार पीढ़ी दर पीढ़ी पहरा देता हो ना, वहां तो 2 दिन का बच्चा भी इख्तियार वाला होता है। मुंह से चूसनी गिर जाए ना, तो सारा घर भागता है चूसनी उठाकर देने को। बस बस इस घड़ी मुझे मुझे उस जुल्म की माफी दे दे रजिया, जो मैं करती रही हूं और जिसका मुझे पता ही नहीं चला। आपको वास्ता है चौधरी सरफराज का, मुझे छुट्टी दे दें, मैं अपने भाई जानू से मिलना चाहती हूँ। लेकिन वो तो शहर में है,
तू जानती है वो कहाँ है? फिर कैसे मिलेगी उसे, कैसे भला? पा मंजूर ने बताया है, पा दाऊद का पता। हम गरीबों के पास पता ना भी हो ना, तो हम तलाश कर लेते हैं, हमको सुंदक लग जाती है। इतना बड़ा शहर लाहौर है, तू गुम हो जाएगी। बस आप इजाजत दे दें बीबी जी, मैं आज तक बोली नहीं कभी, आज इस चुपके सदके मुझे जाने दें। आप तो इख्तियार वाले हैं, मेरे चले जाने के बाद मेरे अब्बा के दाने बंद ना कर देना, आपको वास्ता है रसूल का। तो ठीक कहती है रजिया, इख्तियार वाले के अंदर जुल्म बंद होता है, खत्म नहीं होता। तलवार चाहे न्याम में हो, रहती तो तलवार ही है ना, निकलती जरूर है कभी ना कभी। जा, चली जा, अभी इसी वक्त चली जा।